उलीडी में चोरों ने दिन दहाड़े एक घर का ताला तोड़कर 30,000 नगद व लगभग 4,00,000 मूल्य के जेवर समेत अन्य कीमती सामानों पर हाथ साफ कर दिया। आदर्श नगर उलीडी के रहने वाले आशीष श्रीवास्तव सपरिवार छठ के मौके पर नदी घाट गए थे। सुबह करीब 5 बजे वे घर से निकले और वहां से लौटने पर उन्होंने घर का ताला टूटा पाया। घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। उन्होंने बताया कि करीब 4,00,000 मूल्य के जेवर चोरों ने अलमीरा तोड़कर निकाल लिया और साथ ही 30,000 रुपए नगद भी चोरी चले गए। यहाँ से 5 बजे भोर में निकले थे हम लोग। मेरे चाचा के यहाँ छठ हो रहा है ना, चाचा के यहाँ गए थे और वहाँ से दोपहर में हम लोग अभी आ ही रहे, 1 घंटा हो रहा है। बाहर वाला गेट में ताला लगा हुआ था और ये वाला गेट उठाया हुआ था, पर्दा गिरा हुआ था। हम देखे तो मेरा दिमाग सुन गया, मतलब गेट क्यों खुला, हमको अंदर आने में डर लग रहा था। फिर भी हम गेट खोल के अंदर आए तो पूरा देख रहे हैं, सामान मेरा पूरा बिखरा हुआ है। तो हम फोन करके फिर सबको बुलाए, क्या क्या गायब हुआ? पूरा गहना, मेरा गहना, माँ का, भाभी का पैसा लगता, पूरा सामान, मतलब कपड़ा के अलावा कुछ नहीं छोड़ा है। रविंद्र भवन साक्षी में सालाना पुस्तक मेला 20 से 29 नवंबर तक चलेगा। उक्त जानकारी आयोजक आशीष चौधरी ने संवाददाता सम्मेलन में बुलाकर दी। साक्षी रविंद्र भवन प्रांगण में हर वर्ष लगने वाला बुक फेयर का सभी को इंतजार रहता है। आयोजकों ने बताया कि देश भर से 70 से ज्यादा पब्लिशर 20 से 29 नवंबर तक चलने वाले बुक फेयर में भाग लेंगे। 20-25 एटलीस्ट आना होगा लड़का को, तो वो लोग उनका 2 रुपीज एंट्री फी उन लोगों का दिया जाएगा। ये हम लोग एक करते हैं, बराबर हम लोग करते हैं, कहीं नहीं। इस मेला को हम लोगों को मेन मोटो है स्टूडेंट कम्युनिटी, यानी जो ये है यंग जनरेशन, इन लोगों को किताब का बारे में इंटरेस्टेड करना। पंचायत चुनाव के चौथे चरण के लिए जमशेदपुर प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में प्रत्याशियों ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल किया। पंचायत चुनाव के चौथे एवं अंतिम चरण के लिए जमशेदपुर प्रखंड के अंतर्गत बागबेड़ा, पोटका, कीताडी आदि क्षेत्रों से जिला परिषद वार्ड सदस्य के लिए अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। आइए इनमें से कुछ उम्मीदवारों से करते हैं हम बात। जिस तरह का जल जंगल जमीन गुजारने का प्रयास कर रहा है और जमीन अधिग्रहण बिल जिस तरह का पास किया है, हमारे यहाँ के कुटकाटी आदिवासियों को विस्थापित करने का योजना बनाया है, उस योजना को हम लोगों ने उसको एकदम वापस करने का हम लोग आज माने पुरजोर हम लोग विरोध करेंगे। मेरा मुद्दा यही है कि जितनी पानी, सड़क, वृद्धा पेंशन, ये सब लोग इसको करना चाहते हैं। मेरा नाम हुआ अश्वनी गौड़ और हम जमशेदपुर और ये जमशेदपुर भाग संख्या 4 से जिला परिषद के उम्मीदवार के रूप में खड़ा हूँ। किन मुद्दा को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं आप? हम लोग को बुनियादी विकास जो है वो हम लोग का चाहिए, आम जनता को। समस्या बहुत कुछ है, अब जीतने के बाद क्या है बताइए। रोड का भी, पानी का भी, बिजली का, मेन समस्या। और जो इसके विगत और भी कोई काम होगा इसके लिए हम संघर्ष करेंगे। क्या लगता है क्या अब तक वहाँ विकास क्यों नहीं हुआ? इसलिए विकास, हम पंचायत के स्तर से हमने 8-10 रोड बनाया है, एक नाली का निर्माण भी किया है। इससे पहले लोगों ने समर्थन दिया, बोले आप नॉमिनेशन कीजिए, इसके बिना पे आज हमने जी कोर्ट में से हम लोग जनता की सेवा काम कर रहे हैं, इसलिए जनता सब देख रहे हैं, इसलिए वोट करेंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आदित्यपुर क्षेत्र से पाए जाने वाले नवजात शिशु को लेकर लगातार दूसरे दिन भी लोगों ने एमजीएम अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा मचाया। आदित्यपुर थाना क्षेत्र के सुनसान इलाके से बरामद नवजात शिशु को एमजीएम अस्पताल पहुंचाने वाले और अस्पताल प्रबंधन के बीच ठन गई है। बुधवार को लगातार दूसरे दिन लोगों ने वहां जमकर हंगामा किया। शिशु को अस्पताल पहुंचाने वाले उस पर अपना हक मानते हैं। सरायकेला में एक नवजात बच्चा पाया गया था, उसको सरायकेला के एक व्यक्ति ने यहाँ इलाज के लिए भेजा है और बच्चे की तबीयत खराब है जैसा चिकित्सक द्वारा बताया जा रहा है, और इसमें बच्चे को CWC के माध्यम से ही देने का प्रावधान है। संबंधित CWC को हम
आमंत्रित किया है। इसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं, इलाज की बात करते हैं, इलाज के बाद ही और CWC के निर्णय के बाद ही बच्चे को देने की प्रक्रिया की जा सकती है। 25 नवंबर को गुरु नानक जयंती है और इसकी तैयारियों को लेकर सिख समुदाय जुटे हुए हैं। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार इंद्रजीत सिंह ने बताया कि गुरु नानक जयंती पर इस बार सुनारी गुरुद्वारा से भव्य नगर कीर्तन निकाला जाएगा जो साक्षी मुख्य गुरुद्वारा तक जाएगा। सुनारी गुरुद्वारा से शुरू होकर साक्षी गुरुद्वारा पहुंचेगा, उसके लिए प्रशासन को इसके लिए आकर्षण की सबसे बड़ी चीज देखने के लिए कि डिसिप्लिन बहुत ही अच्छा हमारा रहता है और सड़क पर बिल्कुल गंदगी नहीं रहने दी जाती है। ये देखने में मिलेगा आपको कि लोग इतनी सफाई कर रहे हैं कि नगर कीर्तन पार हो जाने के बाद भी एक कागज या टुकड़ा कोई भी गिलास कुछ आतिशबाजी भी होगी नहीं, कि जिनके पास में पास इशू किया जाएगा वही सड़क में अपने हमारे जो कंट्रोलर है वही गाड़ियां अपनी चलाएंगे और सभी लोग सड़क के किनारे